ओपी गौतम जी, आज जो आपने यहाँ धरना प्रदर्शन किया आकाशवाणी एवं दूरदर्शन में, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों को लेकर क्या आपकी मांग है, क्यों आपने धरना किया? पहले तो मैं आप सभी मीडिया कर्मियों का धन्यवाद दूंगा कि आप हमारी समस्या को अपने प्रेस के माध्यम से भारत सरकार तक पहुँचाएंगे। ये जो धरना प्रदर्शन है हमारा, ये आज से नहीं है, काफ़ी दिन से हमारी इसकी तैयारी चल रही है। हम बार बार, हमारे जो SC ST के कर्मचारी गण हैं या अधिकारी गण हैं, उनके साथ सभी कैडरों में जातिगत भेदभाव किया जा रहा है, और हम बार बार प्रसार भारती को, मंत्रालय को, आकाशवाणी महानिदेशालय को, दूरदर्शन महानिदेशालय को हम अवगत कराते आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो जो है हमारे साथ जातिगत भेदभाव कर रहे हैं। जैसे हम अभी बात करते हैं जो जो पदोन्नति में जो आरक्षण है, उस आरक्षण को ये दबाए पड़े हैं भारत सरकार या DOPT है या हमारा वो है मंत्रालय, उसे ऐसा कोई आदेश नहीं निकला है जिसमें रिजर्वेशन को समाप्त किया गया हो। अगर हम बात करते हैं, अभी जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी हो गया है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर 17 मई को हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई स्टे जो लगा हुआ था वो स्टे बहाल कर दिया गया है, उसके बाद भी हमारे जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय है उसको देखते हुए, और हमारी एसोसिएशन ने आकाशवाणी महानिदेशालय, दूरदर्शन महानिदेशालय, प्रसार भारती और मंत्रालय को और कमीशन पार्लियामेंट कमेटी को भी हमने एक लेटर दिया, एसोसिएशन की तरफ से दिया कि भाई ये जो चीज़ें लागू हो गई हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश, जो स्टे लगा हुआ था उस, वो हट गया है, लिहाजा अब हमारा आरक्षण लेकर साथ चलिए। लेकिन यहाँ के अधिकारीगण कुछ लोभ में आकर, मैं क्लियर कहूँगा, अगर मैं क्लियर तो तब कहूँगा कि ये हमारे प्रसार भारती के अधिकारी या मंत्रालय के अधिकारी मेरी बात पर अगर गौर करें कि यहाँ खुलकर भ्रष्टाचार हुआ है और खुलकर पैसा चला है। जो अभी एक 323 से असिस्टेंट डायरेक्टर बनाए हैं, और उससे पहले सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया था, और DOPT ने कोई ऐसा आदेश भी जारी नहीं किया कि जिसमें रिजर्वेशन नहीं है। उससे पहले भी हमारा बैकलॉग खाली पड़ा है, और हम बता रहे हैं कि 83 पोस्टें बैकलॉग की खाली पड़ी हैं। 73 हमारी 323 में जो पदोन्नति दे रहे हो उसमें 73 पोस्टें हमारी ऑलरेडी बनती हैं, तो आप हमें इन्हें वो इंक्लूड करिए। लेकिन ये उनको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, और हमारी पोस्टों पर सामान्य वर्ग के लोगों को आउटसोर्सिंग के द्वारा भर्ती करते आ रहे हैं। इसलिए आज हमने ये जो धरना प्रदर्शन किया है, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट में रोस्टर नहीं है, हमारे डिपार्टमेंट में कोई सीनियरिटी लिस्ट नहीं है। आउटसोर्स का आपने बात किया, आउटसोर्सिंग प्रोसेस बताइए किस तरह से, मतलब उसे थोड़ा सा ओपन डीप। आउटसोर्सिंग का मतलब है कि जो पोस्टें खाली पड़ी हैं ये उसमें अपने भैया भतीजों को भर रहे हैं, क्योंकि वो पोस्टें देखिए, जो आपने जब आउटसोर्सिंग की बात की है, 1997 से 200 पॉइंट रोस्टर लागू हुआ, उससे पहले 40 पॉइंट का रोस्टर लागू था। भैया भतीजे आपने बात की रिलेशन से, तो ऐसे कितने एम्प्लॉयज अभी? मैं 50% ऐसे लोग हैं जो बाप भी यहाँ नौकरी कर रहा है, उसकी माँ भी नौकरी कर रही है, उसकी बहन भी नौकरी कर रही है, और वो भी नौकरी कर रहा। ऐसे कई मुद्दे, एक नहीं कि दर्जनों हैं, और जो रिटायर हो गया है वो भी यही है। आज हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयज की बात करते हैं कि अनएम्प्लॉयज, अब जब रिटायर हो गया, उसने 30-35 साल भारत सरकार की सेवा कर ली, उसके बाद फिर वो यहाँ नौकरी कर रहा है, तो नई जनरेशन को आने दो, उसमें जनरल रिजर्व को ही नहीं, जनरल को भी फायदा होगा, वो वैकेंसी खाली पड़ी है। जो आउटसोर्सिंग की बात कर रहे हैं, जो पोस्टें हैं 1997 में जो रोस्टर लागू हुआ था 2 जुलाई 1997 से, उसमें ये पोस्ट बेस्ड रोस्टर बना था SC ST के लिए। SC ST को प्रमोशन में लागू होता है, लेकिन OBC को अपॉइंटमेंट में ही उनकी उसमें ही लागू होता है। इसीलिए वो जो रोस्टर बना, वो रोस्टर की पोस्टें खाली हुई,
जो पोस्ट है एससी एसटी के एम्प्लॉई 1997 से अब तक नौकरी कर रहे थे और वो बीच बीच में रिटायर हो गए, तो आज तक उनकी पोस्ट को नहीं भरा गया, तो पोस्ट बेस्ड रोस्टर का मतलब ही नहीं है। ओपी गौतम जी, वो देखा गया है कि अधिकतर डिपार्टमेंटों के अंदर फर्जी सर्टिफिकेट से लोग नौकरी कर रहे हैं, वो आज तक उनकी इंक्वायरी सेटअप नहीं हो पाई, क्या कारण? बिल्कुल आपने सही कहा, आकाशवाणी और दूरदर्शन में दर्जनों केस, कई दर्जन केस एससी एसटी के फर्जी सर्टिफिकेट के पड़े हैं। फर्जी सर्टिफिकेट से नौकरी करके रिटायर भी हो गए, फर्जी सर्टिफिकेट लगा के नौकरी भी कर रहे हैं, लेकिन डिपार्टमेंट में जो कुछ अधिकारी हैं अगर कोई गलत काम करता है तो उसमें कोई ना कोई, जिस अधिकारी गलत काम कर रहा है, किसी को फ़ायदा पहुंचा रहा है, उसमें कोई ना कोई तो इन्वॉल्व होता है और वो इंगित करता है कि वो जो है पैसा ले रहा है और पैसे के बल पे उस फाइल को दबा के बैठा है। गौतम जी, इस धरने के आगे क्या प्रक्रिया रहेगी आपकी? हमारा ये जो धरना है, हमारी जो मांगे हैं, हमारी मांगे हैं कि जो हमारा बैकलॉग पड़ा है सभी कैडरों में, उस बैकलॉग को पूरा किया जाए और जो पदोन्नति में आरक्षण है लागू है वो कभी समाप्त नहीं हुआ है और नहीं होगा, क्योंकि अभी ये इसके पूरा करें और जो भी डीपीसी आपने गलत तरीके से किए हैं आज तक, मैं तो कहूँगा कि 1997 से आज तक जितनी आपने डीपीसी की हैं उन डीपीसी की रिव्यू डीपीसी करो, उसमें सबसे ज़्यादा अनोमली है, उसको ब्लॉक ईयर वाइज नहीं भरा गया है, उसमें इन्होंने धांधलीबाजी की है और हमारी पोस्टों पर जनरल के लोग बिठाए गए। सर, इसकी जवाबदेही किसकी है? इसकी जवाबदेही है प्रसार भारती के सीईओ की, इसकी जवाबदेही है डीजीआईआर के आकाशवाणी महानिदेशालय के डीजी की, इसकी जवाबदेही है दूरदर्शन महानिदेशालय के डीजी की, इसकी जवाबदेही है सेक्रेटरी आईएनवी की, इसकी जवाबदेही है कैबिनेट मंत्री सूचना प्रसारण मंत्रालय की।